किस तरह की व्यवस्था की गई है झील के नाजमंडी में? देखिए, हम जैसे आपको पता ही है कि उनकी खरीद हमने कल स्टार्ट करवा दी थी, कल शाम को, और जो है हमारे पास बेसिक सुविधाएं सारी हैं यहाँ पर। हमने किसानों के लिए जो है बिजली पानी की व्यवस्थाएं हमने कर रखी हैं, और खरीद अब सुचारू रूप से अभी भी मंडी में जो है चल रही है। तो कितना क्विंटल गेहूँ खरीद चुका है? कल 17,000 क्विंटल हमने खरीद किया था, और आज अभी बोली चल रही है जिसके आंकड़े अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। करीबन करीबन मुझे उम्मीद है कि आज भी 20-25,000 क्विंटल के ऊपर ही हम खरीद करेंगे। तो किसानों का कहना है कि खरीद तो इस तरह उठान की बात कर रहे हैं, एक दूसरा जो सिलाई है वो नहीं हो पा रही। देखिए जी, ये मसला जो है आपने बताया है मेरे को, तो उठान के बारे में मैं खरीद एजेंसी से संपर्क करूँगा। खरीद एजेंसी का कार्य है, क्योंकि टेंडर उनके द्वारा होता है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम उनसे बात करेंगे। और जहाँ तक आपने सिलाई की मशीन की बात की है, सिलाई जो है वो ठेकेदार आड़ती के द्वारा लगाए जाते हैं। अगर किसी भी किसान को कोई समस्या आ रही है तो मैं संबंधित आड़ती से बात करूँगा। सर, ये सुनने हमारे राम राय गाँव में आज खरीदनी हुई है कि लेबर ने लगाने से? राम राय गाँव मेरे अंडर नहीं आता जी, मतलब वहाँ पर कोई खरीद केंद्र नहीं है। मेरे पास जो है दो खरीद केंद्र हैं, एक तो राजपुरा भैंड और एक मेरे पास है मनोहरपुर। तो मनोहरपुर में आज खरीद हुई है, राजपुरा भैंड में जो है कल खरीद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लेबर नहीं आ पाई आज, और कल वहाँ पर खरीद हो जाएगी। मैं अभी वहाँ से दौरा करके ही आ रहा हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू।